मुंडे में 10 वर्षीय बच्ची ने बात करने से मना क्या किया तो नशे में धुत फौजी ने छुरी से उसका गला ही काट दिया। घटना बल उपमंडल के तहत आने वाले बटाहन गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी फौजी इन दिनों छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। इसका अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। एसपी गुरुदेव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी फौजी ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 वर्षीय बच्ची ने बात करने से मना क्या किया तो नशे में धुत फौजी ने छुरी से उसका गला ही काट दिया। घटना बल उपमंडल के तहत आने वाले बटाहन गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी फौजी इन दिनों छुट्टी लेकर घर आया हुआ है। इसका अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। पत्नी अलग रह रही है। बीती शाम करीब 7 बजे आरोपी फौजी नशे में धुत होकर अपनी साली के घर पहुंचा। साली की 10 वर्षीय बेटी से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बच्ची ने ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि उसे इस बारे में कोई भी बात करने से घर वालों ने मना किया है। इसी बात को लेकर फौजी आग बबूला हो उठा और छुरी से मासूम का गला रेत डाला। परिजनों ने तुरंत प्रभाव से घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज नीरचौक पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। अभी बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसपी गुरुदेव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी फौजी ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार आरोपी ने कहीं फेंक दिया है और उसकी तलाश की जा रही है। पिछले कल रात को एक 10 साल की बच्ची को नीरचौक मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जिसका कि गले में किसी शार्प चीज से कटा हुआ था। जब उस पर जब पुलिस ने उसको वेरीफाई किया तो ये पाया गया कि उसी के मौसा जो है, जिसका नाम ओम प्रकाश है, जो कि फौज में काम करता है, उसने किसी बात को लेकर के उसके गले में किसी चीज़ से उसको काट दिया था और उसको खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने इस पर 307 IPC के तहत पुलिस स्टेशन बल में FIR दर्ज किए और रात को ही इसको ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ओम प्रकाश जो है, ये जो बच्ची है उसका ये मौसा लगता है और इसका वाइफ, हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई डिस्प्यूट चला हुआ है। कोर्ट केसेस भी चले हुए, इसकी वाइफ इसके साथ नहीं रहती है, तो उसी के बारे में ये बात करने के लिए बच्ची से बात कर रहा था तो बच्ची ने मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मम्मी ने बात करने से मना किया है। उसी इसने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में था और गुस्से में आकर इसने बच्ची का गले काट दिया।